गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर नॉर्मल टाइम होता तो आज के दिन आपका स्कूल बंद होता, लेकिन कोरोना के कारण आपकी पहले ही काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई है, इसलिए आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, आपको एक कॉपी बनानी है वर्ड मीनिंग की, जिसमें कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे, और एक कॉपी आपको होमवर्क के लिए बनानी है। चैप्टर कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और एक्सरसाइज कराऊंगी, वो सब आपको उसमें करनी है, और जो आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी वो आप मुझे करके दिखाएंगे। यानी लॉकडाउन है, हम स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारी पढ़ाई पर कम से कम होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, जैसी पढ़ाई स्कूल में होती है, क्लास में होती है, वैसी पढ़ाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, स्मूथली चले। आप लोग अपना फोकस बना कर रखना, और जिन बच्चों को लगता है कि इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उन्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी है। आप अपनी बुक बार बार पढ़ो, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखो, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करो, ताकि जब स्कूल खुले तो आपको ऐसे लगे जैसे आपकी इंग्लिश अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है। ऑल द बेस्ट आज बच्चों। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट शुरू करेंगे, और इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। राइटर है जी एल फ्लुएंटेस, जो कि एक मैक्सिकन राइटर हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे यानी कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमारे फेथ में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकता है। एक छोटा सा फेथ बड़े पर्वत को हिलाने की ताकत रखता है। बट वाट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन ये फेथ हमें किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही वो सवाल है जो इस स्टोरी में रखा जाता है। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक फार्मर है जो कि भगवान को तब लेटर लिखता है जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो भगवान से 100 पीसोज मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो कि इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है, एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और ये आप सबसे कहा जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इस कहानी में क्या हुआ होगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, एंटायर पूरी। लेंचो का घर पूरी घाटी में केवल एक अकेला घर था। इसका मतलब है कि लेंचो का घर पूरी घाटी में एक अकेला था, उसके अलावा वहाँ पर दूसरा कोई घर नहीं था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और ये घर एक लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है पहाड़ी का। तो लेंचो का घर पहाड़ी की क्रेस्ट पर यानी पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ था, और उसके अलावा उस पूरी घाटी में दूसरा कोई मकान वहाँ पर नहीं था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उस हाइट से यानी कि लेंचो अपने घर से रिवर को देख सकता था और अपने खेतों को देख सकता था, और उसके खेत में उस समय किस चीज़ की फसल हुई थी? राइप कॉर्न की, यानी कि मक्के की फसल, जो कि राइप हो चुकी थी, पक चुकी थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो उस पर फूल आ रहे थे, और ये फूल हमेशा इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, इस चीज़ का वादा करते हैं कि फसल, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल बहुत अच्छी होगी, यानी जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउन पोर और एट लीस्ट ए शॉवर। डाउन पोर का मतलब होता है तेज बारिश, और शॉवर का मतलब होता है हल्की बारिश। तो लेंचो की फसल बहुत अच्छी थी, उस समय धरती को सिर्फ थोड़ी सी बारिश की, यानी कि या तो एक अच्छा सा डाउन पोर हो जाए, एक अच्छी बारिश हो जाए, या फिर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए, उसकी धरती को आवश्यकता थी।
थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली यानी बहुत ही क्लोजली बहुत ही नज़दीकी से जानता था, क्योंकि लेंचो किसान था और किसान अपना ज़्यादातर टाइम खेत में ही बिताते हैं, तो एक किसान को पता होता है कि उसके खेत को किस चीज़ की आवश्यकता है। लेंचो को भी पता था तो वो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इस पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देखता रहा, यानी उसे बारिश की उम्मीद थी, उसे लग रहा था बारिश हो जाए तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, और इस उम्मीद में उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आकाश की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, शाम को वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें निश्चित रूप से बारिश मिलने वाली है, यानी कि आकाश को देख रहा था और उसे अंदाज़ा हो गया था, आकाश को देखकर बादल थे आकाश में, कि अब बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर कहते हैं शाम के खाने को, रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, उसकी पत्नी जो कि उस समय शाम का खाना पका रही थी उसने भी कहा भगवान की इच्छा, यानी भगवान की इच्छा है तभी बारिश हो रही है। द ओल्ड बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उस समय लेंचो के बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे जब उस औरत यानी लेंचो की पत्नी ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, यानी डिनर तैयार है और वो सब आकर डिनर कर लें। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जब वो खाना खा रहे थे उसी दौरान जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगाना, उसने थोड़ी देर पहले ही अपनी पत्नी से कहा था कि बारिश होने वाली है और जैसे कि उसने कहा था बारिश होनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े बादल घिरकर आ रहे थे जो कि इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि बारिश बहुत अच्छी होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और ठंडी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मैन यानी लेंचो उस समय बाहर निकला और उसे बाहर कोई काम नहीं था, सिर्फ वो बारिश को अपने शरीर पर फील करने के लिए यानी कि बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर आया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस घर में आया तो उसने कहा दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश नहीं हो रही है आकाश से, दे आर न्यू कॉइंस, बल्कि ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 cent के पीस हैं और छोटी बूंदे हैं वो 5 के, यानी कि जो बड़ी बूंदे पड़ रही थी धरती पर वो 10 cent की थी और जो छोटी बूंदे थी वो 5 cent की थी, यानी वो इतना खुश हो रहा था उस बारिश को देखकर कि ये बारिश नहीं हो रही है बल्कि सिक्के पड़ रहे हैं, सिक्कों की बरसात हो रही है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और वो उस समय बहुत ज़्यादा संतुष्ट था, satisfied था, और उसने उस समय अपने ripe corn के खेतों को यानी कि मक्के के खेतों को देखा जिस पर कि फूल भरे हुए थे, draped in a curtain of rain. Curtain का मतलब होता है पर्दा, drap यानी ढका होना, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश ने अपने पर्दे में पूरे खेत को ढक लिया है। तो ये सब देखकर लेंचो बहुत संतुष्ट था क्योंकि जो वो चाहता था वो उसे मिल रहा था, उसके खेतों को एक बारिश की ज़रूरत थी और वो बारिश उसे मिल रही थी और वो खुश था। बट सडनली ए स्ट्रोंग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज़ हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हेल स्टोन आने लगे, यानी सिर्फ बारिश ही नहीं आई उसके साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे और ओले फसल के लिए अच्छे नहीं होते। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन, राइटर अब कह रहा है कि ये जो ओले थे ये तो वास्तव में ही सिल्वर कॉइन के जैसे थे, चांदी के सिक्कों के जैसे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले
लेंचो ने कहा था, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। लेकिन अब राइटर कह रहा है कि ये जो नए नए ये जो ओले पड़ रहे थे ये सेंट में नहीं बल्कि सिल्वर कॉइन थे, ये तो पूरे सच में ही चांदी के सिक्के के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लेंचो के बेटे बारिश में बाहर निकले ताकि वो फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पर ओलो को कहा गया है, जमी हुई पर्ल्स के जैसे, जमे हुए मोती के जैसे लग रहे थे वो, और उन्हें लेने के लिए उसके बच्चे बाहर भागे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। ये सब देख कर लेंचो बहुत दुखी हुआ और उसने एक्सक्लेम किया कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे एक घंटे तक ओले पड़ते रहे। ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे एक घंटे तक ओले घर पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्न फील्ड पर और पूरी घाटी में पड़ते रहे, यानी कि एक घंटे तक वो बारिश होती रही ओलों की। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, वो पूरा खेत, लेंचो का पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, जैसे किसी ने नमक से उसे ढक दिया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके जो कॉर्न थे यानी भुट्टे थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स लग रहे थे, जो फूल लग रहे थे वो भी गिर गए, वो भी ख़त्म हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी इतना ज़्यादा दुखी था वो उस अपने नुकसान को देख कर। When the storm had passed, जब storm बंद हुआ, जब तूफान बंद हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this. Plague of locust का मतलब होता है टिड्डी दल का हमला। locust टिड्ढे होते हैं जो कि एक साथ लाखों की संख्या में आते हैं और जिस खेत पर बैठ जाते हैं उसे पूरी तरह से वो बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लेंचो कहता है कि अगर लोकस्ट का दल यहाँ पर आता, उनका प्लेग भी आता, तब भी शायद थोड़ा बहुत बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उनकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी थी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, यानी उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वो रात दुख से भरी हुई थी, यानी रात दुख से भरी हुई नहीं थी, उस रात में उस घर में रहने वाला लेंचो और उसका पूरा परिवार दुख से भरा हुआ था, क्योंकि एक घंटे के अंदर ही उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। All our work for nothing, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। There is no one who can help us, ऐसा कोई भी नहीं है हमारे आसपास जो हमारी हेल्प कर सके। We will all go hungry this year, इस साल हम सब भूखे मरेंगे, यानी हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बच्चों आज इतना ही, इसके बाद कल पढ़ेंगे।